ये देखिए इसका फेस, ये तो बड़ा डेंजर है। इसका नाम है माइकल, जो कि खतरनाक है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी वाले यूके वाले चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण नौटियाल और मेरे गांव का नाम है मिस्टर गांव, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धनारी क्षेत्र में पड़ता है। अभी बज गया है दिन का 2:15 और मेरा आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। तो आज का ब्लॉग जो है काफ़ी लेट में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सुबह से कंटिन्यू बारिश होती जा रही है। अभी थोड़ा रुक रखी है, लेकिन अब जो है फिर से स्टार्ट हो गई है। बाकी जो हमारे डॉग है वो जो है कुछ यहाँ पर है और कुछ जो है इधर है अंदर, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो कुछ लोग जो है अंदर कर रखे हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पर उस तिरपाल के नीचे पे, तो कुछ वहाँ पर बैठ रखे हैं। बाकी डॉग ने तो सुबह खाना खा लिया है और अभी जो है खाना बन रहा है, जो कि ये है यहाँ पे पतीले पे, यहाँ पे ये चढ़ा रखा है, ये बन के तैयार हो गया है। इसमें बच्चों के लिए छोटे वाले में और बड़े वाले में है, जो बड़े डॉग है। बाकी कुछ डॉग जो है इधर है और जो हमारे पास डॉग के पपीज हो रखे हैं वो जो है यहाँ पे है। यहाँ पे एक छोटा रूम बनाया गया है, उसमें रखे हैं सारे बच्चे। तो यहाँ पे जो है बच्चे अभी 14 से 15 बच्चे हैं। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप जो है कमेंट कीजिए, मैं आपको हरीश भाई का नंबर दे दूँगा। बाकी अभी जो है अपना खाना भी बन रहा है, ऊपर उमेश बना रहा है। तो मैं अभी तक यहाँ पे डॉग का खाना बना रहा था और उमेश जो है अपना खाना बना रहा है। और ये देखिए अभी जो है बारिश भी स्टार्ट हो गई फिर से। तो आज जो है पूरे दिन भर बारिश लगी, सुबह से 7 बजे उठ गया था मैं, 7 बजे से देख रहा तो पूरी जो है बारिश ही बारिश लग रही है। और अभी थोड़ा रुक गई थी, अभी फिर से लग गई। तो आजकल जो है बारिश का मौसम बन रखा है, बीच में जो है कई दिनों से बारिश हुई नहीं थी, लेकिन आजकल जो है कंटिन्यू अब बारिश होती जाएगी। कल भी हुई और परसों भी हुई, कल परसों को कमी हुई, लेकिन आज जो है सुबह से लग रही थी बारिश और पूरे दिन भर चल रही है। थोड़ी देर रुक रही है, उसके बाद में बारिश लगती जा रही है। अभी देखिए फिर से आ गई यहाँ पर बारिश। तो चलो अब चलते हैं थोड़ा रूम में, क्योंकि डॉग का खाना भी बन के तैयार हो गया है। अपना खाना बना रहे उमेश, खाना बना के खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाकी यहाँ पे देखिए बारिश जो इतनी भयंकर आ गई तो क्या ही बताएं। शाम का बज गया है 4 और खाना पीना खाने के बाद में अभी यहाँ पे बारिश भी रुक गई है। बाकी जो खाना बना रखा था दिन में डॉग के लिए, वो जो है उमेश ने अभी डोंगे पे भी लगा दिया है और उसमें जो है चिकन भी डाल रखा है, उसका जो है छोटे छोटे पीस बना रहा है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं कि आज जो है डॉग के लिए क्या बना है खाने में। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जो है उमेश ने बॉल पर खाना भी लगा दिया है और अभी जो है चिकन के पीस है इसमें, तो उसको जो है मेस कर रहा है। तो उमेश आज क्या बना रखा भाई डॉग के लिए? आज भाई ऐसे नॉर्मल खाना बना रखा है। नॉर्मल खाना क्या है? चावल? चावल ही चावल है। अच्छा, चावल के साथ में चिकन। अच्छा, तो ये बारीक बारीक टुकड़े बना के डालना पड़ता है। ये छोड़ देते हैं ना खाना, थोड़ा छोटा छोटा बना देता हूं, सब मिक्स हो जाता है ना वो एकदम। अच्छा, तो अभी ठंडा भी हो रहा है। तो ये देखिए भाई, ये चावल है और इसमें जो है नमक डाल रखा है और थोड़ा सा मट्ठा भी डाल रखी है और चिकन भी डाल रखा है। तो अभी जो है खाना ठंडा हो रहा है, इसके बाद में डॉग को दिया जाएगा। बाकी ये देखिए यहाँ पे जो है ये बुड्ढी भी बैठ रखी है। बुड्ढी बुड्ढी, ये देखिए इस प्रकार से जो है मैस होता है, खाना ठंडा होता है। इसमें जो चिकन के पीस है उसको जो है छोटे छोटे पीस बनाने पड़ते हैं और ये ठंडा भी हो रहा है। और इस पतीले में जो है अभी और खाना बच रखा है, वो जो है सुबह के लिए है, और बगल में एक और पतीला है, वो जो है बच्चों के लिए खाना। ये देखिए, तो यहाँ पे अभी 7 डॉग है तो 7 बोल में खाना लगाया गया है। ये देखिए, बाकी ये यहाँ पर जो है पहाड़ी चूल्हा है, तो इस चूल्हे पर जो है खाना बनता है डॉग के लिए। तो अभी उमेश ने मेस भी कर दिया है और ठंडा करने को रख दिया है खाना। बाकी यहाँ पे ये देखिए, ये बुड्ढी है और डॉग जो है
कुछ अंदर है और कुछ जो है इधर है, दो तीन डॉग इधर है। बाकी मौसम की अगर बात करें तो ये देखिए, अभी तो बारिश रुक रखी है लेकिन थोड़ी देर पहले जो है इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि खतरनाक वाली, तो अभी बारिश रुक रखी है, अभी हल्की फुल्की फिर से होने लग गई। तो अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ जो है एक नया डॉग लेकर आया हरीश भाई ने, माइकल। तो चलो यहाँ पे डॉग के लिए खाना हो रहा है ठंडा, उसके बाद में फिर डॉग के लिए देंगे खाना। बाकी ये यहाँ पे हरीश भाई का रूम है, इधर से जो है चारों तरफ से तारबाड़ी हो रखी है, इधर आगे से आगे पूरे आगे से, और कुछ डॉग जो है हमारे ये है यहाँ पे। तो अभी अभी जो है यहाँ पे अखिल भाई भी आया डुंडा से, तो ये है यहाँ पे कुछ डॉग, ये देखिए माइकल और जेरी। बाकी जो डॉग है हमारे वो जो है इसके अंदर है, और एक यहाँ पे ये बुड्ढी बैठ रखी है। तो ये जो है यहाँ पे जो खाना लगा रखे हैं उसकी देखभाल कर रहे हैं कि कोई और डॉग ना आए और खाना ले। ये देखिए बुड्ढी बुड्ढी, तो ये जो है 10 साल की है, तो इसका नाम तो बुड्ढी ही रखा है। बाकी ये देखिए खाना जो है ये लग के तैयार हो रखा है और ठंडा हो रहा है, और ये है यहाँ पे चूल्हा, और ये पतीला है, इसमें जो है कल सुबह के लिए खाना है, और छोटे पतीले में जो है छोटे बच्चों के लिए है, तो उनको भी बाद में देंगे। तो चलो खाना ठंडा होने देते हैं। शाम का बज गया है 5:15, और अभी डॉग का खाना भी ठंडा हो गया है, तो चलो अब देते हैं डॉग को खाना। चलिए जी अभी डॉग का खाना भी हो गया है, बाकी जो हमारे डॉग है वो जो अभी सारे इधर खेतों में जा रखे हैं इधर साइड। तो चलो एक बार मैं आपको भी दिखाता हूँ कि डॉग जो है किस प्रकार से अभी गार्डिंग कर रहे हैं। भाई यहाँ से चलते हैं हम आगे, तो ये है यहाँ पे डॉग का पपीज का रूम, तो वो जो डॉग के पपीज है हमारे पास वो सारे जो है इसके नीचे है, तो उनको भी खाना दे दिया अभी उमेश ने। बाकी यहाँ से ये एंट्री गेट है, और ये है नीचे जाने के लिए, तो ये चले हम यहाँ से नीचे। तो हमारे जो डॉग है वो जो है ये है यहाँ पे, ये है, तो ये जो है अभी ऊपर जा रहे हैं। ये यहाँ पे मास्टर है, काली है, आगे जो है सीनू है, जेरिस हो रखी है, और ये यहाँ पे बना रखा है डॉग के लिए पे जो डॉग के पपीज रहते हैं। बाकी ये अंदर जो एक छोटा सा रूम बना रखा है, बच्चे जब यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद में जो है यहाँ पे भी रखते हैं। बाकी ये देखिए उमेश जो है इनको ऊपर भगा रहा है अभी, ये देखिए ये है जेरी, और ये है मास्टर, और काली। कहाँ लेके जा रहा भाई उन्हें? ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे जो है पूरा खेत ये गिल्ला ही गिल्ला हो रखा है, तो इसीलिए मैं इधर साइड कम ही आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा खेत जो है गीला हो रखा है। रात को जो हमारे डॉग है वो इसके नीचे रहते हैं, इस तिरपाल के नीचे यहाँ पे से जो है मस्त करके गार्डिंग करते हैं। कुछ कुत्ते जो है अभी उधर चले गए हैं, और एक जो है ये बैठ रखी है यहाँ पे, ये है सीनू, जो कि मस्त करके यहीं पे रहती बैठ के। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये व्यू देखिए आप, ये ऊपर रास्ता जा रहा है गांव के लिए, और इधर जो है रोड के लिए जा रहा। तो यहाँ से रोड की जो दूरी है 10 मिनट की है। बाकी आप इधर देख सकते हैं चारों तरफ से जो है जाली लग रखी है, ये देखिए, और इधर ऊपर से जो है आज पत्थर भी आ रहे हैं, ये देखिए। यहाँ से जो है फार्म के लिए रास्ता आता है सीधे इधर फार्म के लिए। बाकी ये देखिए यहाँ पे सीनो है, बाकी कुत्ते जो है उधर चले गए अभी, ये देखिए। ये सामने पे जो है यहाँ पे नदी है, और ये देखिए लाइटें भी अभी ऑन हो गई, यहाँ पे लाइट है, वहाँ पे चारों तरफ जो है लाइट लगा रखी है। तो आज जो है बारिश ही बारिश रही दिन में, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाया। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे, और
अब जो है चाय पानी पीते हैं, क्योंकि ठंडी जो है यहाँ पे काफ़ी हो रही है। तो ये देखिए, ये बना रखा है यहाँ पे डॉग के लिए, रात के लिए। आजकल बारिश भी हो रही तो इस चक्कर से भी जो है ये बना रखा है, और जब बारिश भी नहीं होती उसके बाद में जो है ओंस पड़ती है, पाला गिरता है, तो फिर जो है डॉग यहाँ पर रहते हैं। बाकी ये देखिए, ये जो यहाँ पर सीनो मस्त करके सो रखी है। चलो यहाँ से चलते हैं आगे के लिए। ये देखिए, यहाँ पे ये बच्चों के लिए बनाया गया है, चारों तरफ से जाला लगा रखा है। और ये देखिए, हरीश भाई ने जो नया डॉग लाया वो भी लेके आया हरीश भाई ने नीचे। इसका नाम है माइकल, जो कि खतरनाक है। ये देखिए, लेके आ गए उसको नीचे। चलो उसको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये है माइकल भाई। खान तो नहीं, ये देखिए इसका फेस, ये तो बड़ा डेंजर है। इसका नाम है माइकल, जो खतरनाक है। ये मस्त करके खाना खा रहा है। तो ये भी जो है यही रहता है रात को। बाकी यहाँ पे सीनो है और डॉग को जो है अभी ऊपर ले गया, क्योंकि ये जो है लड़ाई कर रहा है, नया आया ना यहाँ पे तो फिर लड़ रहा है। ये देखिए इसका मुंह, देखिए आप कितना तगड़ा है, ये देखो। चलो भाई, इससे देख तो डर भी लग रही है। यहाँ से चलते हैं वापस। ये बना रखा है यहाँ पे डॉग के पप्पीज के लिए। और ये यहाँ पे देखिए, इससे तिरपाल निकाल दिया, अब ये पूरी पलाई जो है भीग भी गई। चलो अब चलते हैं और चाय पानी पीते हैं। रात का बज गया है 8 और अभी हमारा खाना पीना भी बनके तैयार हो गया है, और बाकी जो हमारे डॉग है वो जो है सारे इधर मस्त करके गार्डिंग कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अब जो है हम भी खाना खाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो आज के ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।